फाइनली 8 महीने बाद घर से बाहर कोरोना के बाद, और मैं जा रहा हूँ एक अच्छी जगह जहाँ पे बीच है, समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं फिर, फुल तैयारी हो चुकी है, सेट हो चुका हूँ एकदम, और देखते हैं जर्नी में क्या क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये कुछ मीठे पकवान के साथ शुरुआत हो गई है मेरे गोवा जाने की, इसे मैं गोवा लेके जाने वाला हूँ। इसको ठेकुआ बोलते हैं, बिहार में बहुत मशहूर है, और ये ज़्यादातर छठ के टाइम हम लोग बनाते हैं। छठ पूजा आती है दिवाली के एक हफ्ते बाद, तो वो भी आने वाली है। ये देखिए, ये मैदा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें, चीनी, ये सब मिलके बनता है। तो ये एक रेसिपी बनाई जा रही है। ये देखिए क्या मस्त गर्मा गर्म, और ये जब तैयार हो जाएगा फिर दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो ये रहे ठेकुआ, बन के तैयार हो चुके हैं, गोल्डन गोल्डन। तो इस तरीके से चेकिंग हो रही है यहाँ पे, सामने मिरर लगा है, और वहाँ पे अपना टिकट एंड आईडी प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। टर्मिनल 2 से है फ्लाइट इंडिगो, सेफ्टी प्रिकॉशन पूरे लिए गए। ये स्ट्राइप्स बनाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। आएगी टिकट यानी बोर्डिंग पास, आ जा भाई, आ गया। सो फाइनली चेक इन वगैरह सब कर लिया है मैंने, और जिस समय अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ खाली जगह है, जहाँ पे गेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं, मतलब गया था और फिर वापस आ गया। तो अब टाइम हो चुका है जाने का, तो ये यहाँ पे बैठा था मैं, खाली था काफ़ी स्पेस, अब नीचे जाता हूँ। सो ये रही मेरी सीट एंड फ्लाइट, टाइम हो चुका है बोर्डिंग करने का। ये देखो, यहाँ पे आया था मैं पहले और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए ऊपर चला गया था मैं। गेट नंबर 27 ओपन हो चुका है, और फ्लाइट का बड़ा। सो चलते हैं, ज़रा पानी वानी भर लूँ बॉटल में। ऑल आउट हो रहा है फ्लाइट में जाने के लिए, और कुछ फ्लाइट्स ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को अच्छी तरीके से प्रॉपर यहाँ पे, ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से ड्रेसेस वगैरह दी गई है लोगों को, और कुछ फ्लाइट नॉर्मल अभी ट्रैवल करने दे रहे हैं। सो हर फ्लाइट के वहाँ पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अगर आपको पीपीई किट पहननी है तो पहन सकते हैं, और ये फेस शील्ड जो लगाई हुई है लोगों ने, देख रहे हैं आप, अगर ये लगाना है तो लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे दिए जा रहे थे लोगों को, जब आप अंदर फ्लाइट पे बैठने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले आपको दिए जा रहे थे, तो पूरा आप पे डिपेंड करता है अगर आप पहनना चाहते हैं, और बाकी मास्क तो कंपलसरी था ही। अभी जब मैंने एंट्री की तो ये फेस के ऊपर लगाने के लिए ये किट दी गई है, तो ये एक किट दी है, बाकी मैं ये जो पीपी किट जिसे बोलते हैं वो तो मैंने अभी तक नहीं ली। देखो यार, मैं वैसे ज़्यादा शो ऑफ करता नहीं हूँ, मैं इस फ्लाइट में नहीं बैठूँगा, ठीक है, पहली फ्लाइट कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये दूसरी वाली दिखाओ ज़रा कैसी दिख रही है। ना 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 ना, इसमें अभी नहीं बैठूँगा यार, क्या है ये चोंच निकली हुई है इसकी आगे, तीसरी वाली दिखाओ। अरे जल्दी ले चलो भाई ड्राइवर, ये थोड़ी सी साफ़ सुथरी नज़र आ तो रही है, चलो यार इसी में बैठ जाते हैं, सही लग रही है ये, सही से साफ कर दो भाई जल्दी, आ रहा हूँ बस, ओके है ना फ्लाइट, आ रहा हूँ, चलो भाई इसी में बैठेंगे अब। विंडो सीट मिल गई है कुछ नसीबी से।
लेके अपना। बस इसी बेल्ट पे आने वाला है बैग, और ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। आने दो आने दो आने दो, कहाँ 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 कहाँ, आजा आजा आजा, कहाँ गया कहाँ गया छोटू, आ गया आ गया आ गया, आजा 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 छोटू छोटू मेरे छोटू, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये आ गया मेरा छोटू, ये आजा बेटा, चलो गोवा घुमा लो तुम्हें, चलो बेटा। थोड़ा वॉशरूम हुआ है जाए, और यहाँ का वॉशरूम थोड़ा अलग है देखने में, दिखाता हूँ। तो इतना अच्छे तरीके से वॉशरूम बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन देखो आप, क्या बात है, लाइटें लगाई हुई हैं, सही आ गए गोवा। वॉशरूम देखो, इस तरीके का दिख रहा हूँ। सो फाइनली लैंडेड इन गोवा, और ये रहा मेरा बैग, और ये रहा मैं, और मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, उसका नाम है रोशन। मैं उसको जानता हूँ पिछले 7 सालों से, तो आज मैं दूसरी बार गोवा आ रहा हूँ, इससे पहले मैं 2018 में आया था। तो मिलते हैं फिर, कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, नई नई जगह होंगी कुछ, हो सकता है कहीं एक्सप्लोर ना किया हो किसी ने, हो सकता है मैं नया एक्सप्लोरर हूँ आपके लिए, और कुछ नया शूट वीडियो लेके आऊँ आपके लिए वहाँ से। सर टैक्सी चाहिए आपको? टैक्सी है नीचे यार, टैक्सी चाहिए, दोस्त आ रहा है मेरा। ठीक है मिलते हैं फिर, और वेलकम टू गोवा। ये रहा मेरा दोस्त जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। कैसा है रोशन तू? हाँ अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ पहले मुझे। हेलो। वाह क्या बात है, कटवट दाढ़ी एकदम अच्छी कटवाई हुई है। थैंक यू सो मच। तो रोशन मुझे ये बता अभी हम कहाँ जाने वाले? अभी हम लोग जा रहे हैं लीडा सीशेल। हाँ बाम्बोले। ओके तो ये क्या अच्छा रेस्टोरेंट है? हाँ गोवन, टोटल गोवन एंड केरला फूड एज़ वेल। ओके तो यानी मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ जो भी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ मस्ट गो प्लेस। ओके सो रोशन जो है इसको यहाँ पे कितने साल हो गए रोशन? 5 साल हो गए, और ये पूरा गोवन बन चुका है। तो ये जहाँ पे भी मुझे ले जाने वाला है इस ट्रिप में, वो अच्छी जगह होंगी, मैं ऐसी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ इससे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आया था 2018 में, तो ये मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गया था, मतलब मजा आ गया था, खाना वगैरह खा के, वहाँ के ड्रिंक्स वगैरह यूनिक थी मेरे लिए। तो जाने वाले अभी इस जगह जो बताई रोशन ने, बाकी फिर मिलते हैं वहाँ पे खाते पीते, और मैं आपको लोकेशन सारी डालता रहूँगा जहाँ जहाँ जाऊँगा, ताकि अगर आप आते हैं, आप में से कोई भी जो व्लॉग देखता है वो अगर आएगा तो ईजिली उस लोकेशन पर पहुँच जाए। लीडा सीशेल हम लोग जाने वाले थे बाम्बोलिम में, वहाँ पे गए और वो बंद था, क्योंकि और टाइम पे आए हुए हम लोग 3:30-4 बज रहे हैं, तो उसके बाद हम एक और कैफ़े गए, वहाँ वो भी बंद था, तो फाइनली अब एक कैफ़े मिला है हमें, क्लासिक कैफ़े भोसले, कैफ़े भोसले है। कौन सी जगह ये? पंजिम में कैफ़े भोसले है, यहाँ पे हम और कुछ ऑर्डर किया है रोशन ने, मैं वो दिखाता हूँ आपको। सो ये है गोवन समोसा, This is bun. ये वैसे भटूरा लग रहा है। ठीक है This is mix भाजी यानी सब्जी। This is आलू वड़ा,
या आलू वड़ा, बटाटा वड़ा जो भी है। ठीक है, तो ये वही चर्च है जो कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, गोवा का फेमस चर्च जिसे बॉलीवुड ने बहुत फेमस कर दिया है। पता नहीं न जाने कितनी मूवीज यहाँ शूट हुई है। तो भोसले कैफे से हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें खा ली हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। कौन से कैफे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे रूस्टर्स। तो अब बॉम्बे रूस्टर किस लिए फेमस है? बॉम्बे रूस्टर एक्चुअली दिस कैफे इज इन ओल्ड क्वार्टर व्हिच इज अ हॉस्टल। ओके, सो इट्स सिचुएटेड इन फोंटेनास व्हिच इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ पंजिम। ओके, और ये वाली जो जगह थी भोसले कैफे, ये भी पंजिम में आता है, राइट? हाँ, पूरा पंजिम। ओके, सो अब वहाँ पे देखते हैं कैसा खाने को मिलता है, या मतलब जो भी हम वहाँ पे कॉफी वगैरह पीने जा रहे हैं। बाकी जो कैफे भोसले में मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी अभी खाने की, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत ही ऑथेंटिक था। वहाँ पे ये मशरूम का समोसा भी खाया था मैंने, तो बाकी वहाँ देखते हैं क्या होता है। पोर्चुगीज जहाँ पे रहते थे ना, उनका हेडक्वार्टर उनका ये था पूरा एरिया। ओके, सो ये कुछ ओल्ड फोंटेनास, क्या बोलते हैं? फोंटेनास। फोंटेनास, हाँ, फाउंटेन होता ना। अच्छा, फाउंटेन वाला फोंटेनास। अच्छा, ये मेरे से नहीं बोला जाएगा, रोशन ही बोलेगा। एक बार रोशन फिर से बोलना, क्या था ये? फोंटेनास। फोंटेनास। ओके, तो ये फोंटेनास टाइम के घर है, राइट? ऐसा फोंटेनास का एरिया नहीं। अच्छा, ये दिस इज ऑल पोर्चुगीज स्टाइल हाउसेस। ओके, पोर्चुगीज स्मॉल चर्च देयर एज वेल। अच्छा, ओके, ये है तो इस तरीके के घर है, ये कोने कोने में प्यारे प्यारे घर, साफ सुथरे घर। तो तुम्हें इस कैफे लाने का एक कारण ये भी था कि थोड़ा एरिया देखने को मिल जाएगा। सो ये रहा जिस कैफे में हम जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड बॉम्बे कॉफी रोस्टर। तो मिलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। तो आप देख लीजिए ऐसा दिख रहा है बॉम्बे रोस्टर, और ये पीछे आप जो देख रहे हो बुक्स लटकी हुई है यहाँ पे, और साथ में बल्ब है, ये देखो। तो बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, थोड़ा अलग सा यहाँ पे फील है, और विंडोज बड़ी बड़ी है, हवा अच्छी आ रही है, वाइब अच्छी है यहाँ पे। कलर तो ज़्यादा डार्क शेड है, तो और बाकी बाहर से जो लाइट आ रही है नेचुरल लाइट, उससे थोड़ी अच्छी फील आ रही है। बाकी कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, अभी हमने मोका कॉफ़ी मंगाई है मैंने, तो अभी पीते हैं। तो आप लोग इस कैफे पे भी आ सकते हो, मतलब फील तो है ही, और बाकी कॉफ़ी देखते हैं, टेस्ट के बाद बताता हूँ कैसी है। सर रोशन, तू बता रहा था कि ये जो कैफ़े की कुछ खास बातें हैं, वो जो मुझे भी नहीं पता क्या था, क्या है वो? बेसिकली दिस इज ओल्ड क्वार्टर्स, इट्स इन फोंटेनास एरिया, एंड दिस इज़ नोन फॉर इट्स ओल्डेस्ट बिल्डिंग हियर, दे कॉल इट ओल्ड क्वार्टर। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि बॉम्बे रूस्टर एक कैफे है, ओके, पर कैफे के साथ ही यहाँ पे चार रूम्स भी हैं। तो अच्छा, से दो रूम ऐसे हैं कि आप लोग अपनी फैमिली के लिए ले सकते हो। ये दो रूम जो यहाँ दिख रहे हैं, ओके, और दूसरा दो रूम नीचे हैं, इसमें आप डॉर्मेट्री की तरह यू नो उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डॉर्मेट्रीज हैं, तो आप यू कैन शेयर विद अदर पीपल एज वेल। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू मेक योर न्यू फ्रेंड्स। अच्छा, सो ये रही मोका कॉफ़ी, और साथ में गुड डे बिस्किट भी रखा हुआ, और ये कैफे लाते। तो कुछ ग्रॉसरी का आइटम हम लोग लेने जा रहे हैं डेल्फिनो से, जो कि पोर्वरिम में, कुछ खाने पीने का आइटम घर के लिए। तो पहुँचते हैं अंदर, तो ये रोशन कुछ घरेलू आइटम खरीदते हुए हमारे लिए। जूस 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 पाइनएप्पल, क्योंकि कुछ ड्रिंक्स वगैरह अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए काम आएगा। और एक एप्रिकोट पिया है तुम्हें? ये गोवन मसाले, तो आप आके ले सकते हैं अगर आपको लेना। ये क्या है? कोकम। अरे वाह, जीरा एंड कोकम, कोकम एंड जीरा। तो ये कोकम मिल रहे हैं यहाँ पे डेल्फिनो में, ये भी ले सकते हैं अगर आपको लेना। तो ये कोम्बुचा लिया है रोशन ने, ये मैंने कभी पिया नहीं है, ट्राई करूँगा क्या होता है। क्या होता है एक बार बताना? फर्मेंटेड टी। फर्मेंटेड टी, थोड़ा हिंदी में। ओके, बियर कैसा है? ठीक है, ये रोशन ये सब क्या है? सर, इफेक्ट कोक,
सारे 18 में, ये दिल्ली में नहीं देखा मैंने कभी, मिलता है कहाँ पे? अच्छा पता नहीं, मैंने दिल्ली में तो नहीं देखा, यहाँ पे देख रहा हूँ ये आइटम में। तो ये कोकम की चटनी भी मिलती है, ये सब मैं, ये तो मैं लेके जाऊँगा जब जाते टाइम, कोकम चटनी। एल्फिनो में ये चिकन वगैरह प्री मेड चिकन भी मिलता है। रेट्स भी लिखे हुए बीफ, मेरे दिमाग में वो चलता रहता है ना। केक डिसाइड हो रहा है कौन सा केक ले, तू बता, तू बता। मैं तो दोनों से, इसकी पैकिंग अच्छी लग रही है। एक चॉकलेट केक, एक ये रेड वेलवेट। तो डेल्फिनो में वाइन्स वगैरह भी मिलती हैं, आपको अगर वाइन लेनी हो यहाँ पे वो भी ले सकते हैं। और ये गोवा की सबसे मशहूर काबो रम, ये तो मैं लेके जाने वाला हूँ, कोकोनट रम होती है। ये बियर है सारी, तो आप डेल्फिनो में ये सब भी ले सकते हो। यहाँ पे मोस्टली बियर, ड्रिंक्स, वाइन हर स्टोर में अवेलेबल मिलती है। सर साहिल ने मुझे ये बताया, ये जो बियर है सोसेगादो, ये गोवन बियर है और इसके अंदर फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं, ये जैसे वनीला फ्लेवर है इसमें, और क्या क्या है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, वनीला, चॉकलेट कॉफ़ी वनीला। अरे फोकस हो जा भाई, चॉकलेट कॉफ़ी वनीला। इसी तरीके से इसमें भी कुछ फ्लेवर है, तो ये भी ले सकते हैं अगर लेना हो। तो अगर आपको गोवा में कहीं रोल्स खाने का मन करे तो आप गैस्ट्रोनट आ सकते हैं, तो इसकी भी लोकेशन मैं डाल दूंगा। तो रोशन ने बताया कि यहाँ पे रोल्स बड़े अच्छे मिलते हैं, तो अब देखते हैं कौन सा रोल ऑर्डर करने वाले हैं ये लोग। सो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है गैस्ट्रोनट। तो ये लेफ्ट में और ये बीच में नॉनवेज रोल अंडे वाला, और ये थर्ड, ये जो राइट में दिख रहा है ये मशरूम काफ्रियाल, राइट, ये वाला जो फिंगर से दिखाया रोशन ने। तो ये वेज वाला है मेरा, और ये थोड़ा गोवन मसाला वगैरह टाइप का है इसमें मशरूम के साथ। तो ये कुछ नया रोल ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देख के बताता हूँ, खा के बताता हूँ कैसा है। मशरूम काफ्रियाल रोल खा के बताता हूँ कैसा है गैस्ट्रोल कैफ़े का। तो पिछली बार जब मैं आया था 2018 में, सिर्फ पंजिम में था गैस्ट्रोल कैफ़े, और अब ये यहाँ पे कौन सी जगह है, पोरोरिम, तो पोरोरिम में भी खुल गया है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं अगर रोल्स अच्छे खाने गोवा में आपको। तो ये खा के बताता हूँ कैसा है। प्याज है, मशरूम है, और कुछ यूनिक मसाले लग रहे मुझे, जैसा रोशन ने बताया था गोवन मसाले, काफ्रियाल मसाले का नाम है। हाँ जी, टेस्ट अच्छा है। तो आप आए अगर वेजिटेरियन है तो ये मशरूम काफ्रियाल वाला रोल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी नॉन वेज में भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो भी ट्राई करिएगा। तो बहुत सारा व्लॉगिंग हो गया आज के दिन, पहले दिन ही, अब सीधा सोने पे जा रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना हो कर देना प्यार से, आराम से, ठीक है। मना खाना, मिलते हैं फिर, बाय बाय।